नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बोचहां सीट को लेकर जो बवाल है वो फिलहाल थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और इस सीट पर जो बवाल है, जो गहमा गहमी है, उस लिहाज से आज का दिन बड़ा दिन साबित हुआ है। इसलिए क्योंकि आरजेडी ने भी अपना सस्पेंस क्लियर किया और मुसाफिर पासवान जो वीआईपी पार्टी के विधायक थे बोचहां से, उनके बेटे अमर पासवान को टिकट दे दिया और इस बात के कयास पहले से लगाए जा रहे थे। अब वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने भी सस्पेंस क्लियर कर दिया है। बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने इस सस्पेंस को क्लियर किया है। रमई राम की जो बेटियां हैं उनको टिकट दिया गया है। तो फिलहाल जो 1972 में पहली बार विधायक बने और हमारे जन्म से 9 साल पहले इतने बड़े पुराने नेता हैं, आज 9 बार विधायक बन चुके हैं। आज मुझे एक अच्छा काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज हमारे पार्टी में रविराम जी ज्वाइनिंग किए हैं और उनकी सुपुत्री डॉक्टर गीता कुमारी जी भी आज पार्टी में ज्वाइन किए हैं। और आप सभी को जानकारी में है कि ओझा विधानसभा में उपचुनाव होना है और यहाँ पे हमने निर्णय लिया है इसी प्रति गीता कुमारी जी को प्रत्याशी बनाए। आज पार्टी के सदस्यता समय दिए हैं और मजबूती से हम लोग वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। आप सबको जानकारी में होगा कि 2020 में वीआईपी पार्टी मजबूती से वहाँ चुनाव लड़े और जीत भी दर्ज हुआ। एनडीए गठबंधन में रहेगा और आज स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी का निधन के बाद वो सीट खाली हुआ और उससे आप सबको पता है कि ये वीआईपी पार्टी का हक और अधिकार था वहाँ पे चुनाव लड़ना। लेकिन हमारे लिए गठबंधन में साथी ने साथ नहीं दिया तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा और मजबूती से वीआईपी पार्टी लड़ने का निर्णय लिया है और मजबूती से वहाँ पर हम लोग लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। अभी हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, संघर्ष कर रहे हैं और एक बड़ा अनुभवी अभिभावक का सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला और आज वीआईपी पार्टी को ज्वाइन किए। इस पार्टी को बहुत आगे तक इनके आशीर्वाद से आगे बढ़िएगा ये मैं आशा और उम्मीद के साथ में हूँ और मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत होगा और 16 तारीख का जो परिणाम आएगा वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला होगा। हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। लोग लड़ते हैं हम पर राज करने के और हम जो लड़ाई लड़ते हैं वो हम अपने वजूद के लिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इसमें ओझा विधानसभा की जनता ही मालिक है और उनके बीच में हम पहुंचेंगे और हम एक एक बात को बताएंगे, रखेंगे और जनता मालिक जो है वो निर्णय लेंगे कि किसके साथ न्याय करना है। और हम मानते हैं कि ओझा विधानसभा के एक एक मतदाता के बीच में हम जाएंगे और हर एक मतदाता सही निर्णय लेंगे क्योंकि अक्सर जनता हमेशा नेता के ऊपर आरोप लगाते हैं लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जनता के ऊपर है कि जनता सही कैसे निर्णय लेंगे मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्व में भी वीआईपी पार्टी के मजबूती से प्रत्याशी को जिताए और इस बार भी विधानसभा में हमारे प्रत्याशी को जिताएंगे और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। धन्यवाद।